हेलो दोस्तों, आई एम योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है, लगातार हम जो ट्रांसलेशनल वीडियोस थे उनको डाल रहे थे। अब आप लोगों की डिमांड आई है तो आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं उनको। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। केवल और केवल क्या करना होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा आपको। केवल कंसंट्रेशन बनाए रखिए, मेरे साथ लगातार देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी नियम है। यदि आप मेरे साथ लगातार मुझे फॉलो करते रहे तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जो होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, उसमें जो महत्व दिया जाता है, उसमें जो प्रधानता दी जाती है, वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है हमेशा कर्ता को, सब्जेक्ट को दी जाती है वो प्रधानता। जबकि पैसिव वॉइस में इसी क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है? ऑब्जेक्ट को दी जाती है। समझ गए ना आप? सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा प्रधानता किसको दी जाती है? सब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस में इसी क्रिया के द्वारा महत्व किसको ज्यादा दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को। बहुत क्लियर सी बात है। अभी हम नॉर्मल से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई बाई ए बुक, हाँ, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। और यदि हम सेंटेंस बोलते हैं कि ए बुक इज बॉट बाई मी, तो ये क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इसमें ए बुक क्या है? पहले क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, ए बुक, हाँ, तो किसको प्रधानता दी गई? ऑब्जेक्ट को दी गई। तो क्या हुआ इसलिए? पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है। तो इसके कुछ जनरल रूल्स हैं जो प्रत्येक टेंस में काम करते हैं। आज मैं आपको केवल जनरल रूल्स बता रहा हूँ, टेंस वाइज मैं अगली वीडियो से शुरू करूँगा। केवल जनरल रूल्स यदि हमारी समझ में आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है और कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। बाकी जो वर्ब की फॉर्म होती है प्रत्येक टेंस में, ईच एंड एवरी टेंस में कौन सी आती है, ये हम नियम में देखिए आप रूल्स में क्या है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या हैं? रूल्स क्या हैं कि हमारा वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया होता है, कर्म जो दिया होता है, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। और जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उस सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। और क्रिया की, वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म आती है। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर एवर। हाँ, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिए आप, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, किसी का भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। उसके बाद में जो न्यू ऑब्जेक्ट होता है, जो नया कर्म होता है, उस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं? बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। अब उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? देखिए, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम आप प्रत्येक टेंस में देख सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड इन एवरी टेंस। इसको एवरी टेंस में, प्रत्येक टेंस में उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में जो नया ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बाई लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक मैं उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ आपको कि जैसे अभी मैंने बोला था आई बाय ए बुक, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट बनाया ए बुक, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज लगाएंगे, आगे बताऊंगा मैं उसको डिटेल में। बाय की थर्ड फॉर्म वर्ब है, वर्ब जो कि तो बॉट। नए कर्म से पहले हमने बाई लगा दिया और आई को बदल दिया मी में। इसको बताऊंगा अभी, मैं लगातार इसको देख रहा हूं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और अब देखते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदल देते हैं। तो जो मैंने लिख दिया है कि आई को तो चेंज करते हैं हम मी में, जब आई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी, और मी का जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई। ऐसे ही वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस, और अस का जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो वी। यू का दोनों तरफ यू ही होता है, ही का हिम, और हिम को ही में बदलते हैं। ऐसे ही सी को हर में और हर को सी में, दे को देम में और हु को
हु मैं चेंज करती हैं। तो दोस्तों एक बात और है, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हु वाले जो सेंटेंसेस होती हैं इनका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, बाई हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रत्येक टेंस में यूज किया जा सकता है। दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी टेंस, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल जो होंगे आगे हम आपको बताएंगे जब टेंसेस पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियोज़ को लगातार देखना होगा, क्योंकि ये इसके जनरल रूल्स मैंने आपको बताए हैं, और जनरल रूल्स के बाद में जो वास्तविकता चलेगी, जहाँ हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनको एक दूसरे को बदलेंगे, तब हमको असलियत के बारे में जानकारी होगी किस तरह से हमें इसको बदलना है, इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको सारे रूल्स अब पता चल गए, इसलिए धन्यवाद देखने के लिए।